अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां जिले की रेत खदानों से अवैध उत्खनन करने से लेकर परिवहन करने तक का खेल जारी है। भिंड एसपी सलेन सिंह चौहान रेत के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए रात 3 बजे सड़क पर उतरे। यहां रेत के ओवरलोड व बिना रॉयल्टी समेत 15 ट्रक व 2 ट्रैक्टरों को भी पकड़ा। वाहनों को पकड़कर माइनिंग विभाग को सौंप दिए हैं। यह सभी वाहन पुलिस लाइन में खड़े कराए गए। भिंड एसपी की कार्यवाही में सेंध लगाने के लिए रेत उत्खनन कराने वाली कंपनी के लोगों ने माफियाओं के साथ साठ गांठ कर रखी है। कंपनी ने रात में पकड़े गए ट्रकों की रॉयल्टी सुबह काट दी है। भिंड जिले में 30 से अधिक रेत खदानों पर उत्खनन कराने का डेंटर कंपनी राघवेंद्र कुमार सिंह फर्म पर है। वहीं सिवा भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर उत्खनन कर रही है। जिले भर में 30 से अधिक खादानों पर रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। अवैध खादानों को रेत माफिया व रेत डेंटर लेने वाली कंपनी के लोगों चलवा रहे हैं। जब इन अवैध खादानों से ट्रकों को बिना रॉयल्टी को भरवाया जाता है, इसके बाद चेकिंग मिलने के उपरांत रेत का डेंटर लेने वाली कंपनी रॉयल्टी को तत्काल काट कर देती है। ऐसा ही तस्वीर एक बार फिर बनी। भिंड एसपी चौहान सोमवार मंगलवार की रात के 3 बजे सड़क पर उतरे और रेत से ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। इस दौरान बिना रॉयल्टी के 4 ट्रैक मिले जिनमें नंबर प्लेट गायब थी। वाहन पकड़ जाने के बाद रॉयल्टी काटे जाने का फर्जीवाड़े का खेल लंबे समय से जिले में रेत कंपनी करती आ रही है। भिंड एसपी की कार्यवाही को कमजोर करने के लिए रेत कंपनी ने षड्यंत्र रचा। रेत माफियाओं से मिलकर रेत कंपनी के लोगों ने रात में पकड़े गए 4 ट्रकों की रॉयल्टी सुबह काट दी है, जबकि एसपी चौहान ने ट्रक रात 3 बजे पकड़े थे। ये सब पुलिस के कैमरों में रिकॉर्डेड है। इस तरह फर्जी रॉयल्टी का भी खेल चल रहा है। भिंड एसपी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसपी चौहान रात्रि 2 बजे निकले, करीब 3 बजे तक सड़क पर रहे। इस दौरान 15 ट्रक 2 ट्रैक्टर पकड़े। यह सूचना जैसे ही रेत माफियाओं को लगी तो वह अपने रेत वाहनों को छिपाने में जुड़ गए। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।